तो अभी हम समझ रहे हैं कि कीबोर्ड बफर क्या होता है। कीबोर्ड बफर ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे कि ये जो भी प्रोग्राम है जिसमें इस तरह से इनपुट लेना है कि एक इनपुट लेना है इंटीजर का, दूसरा लेना है डबल का और तीसरा लेना है करेक्टर का, तो होना ये चाहिए इंटीजर का होल नंबर लिखना चाहिए और डबल का जो है हमें पॉइंट वाली वैल्यू लिखनी चाहिए और करेक्टर की जो है हमें कोई सिंगल करेक्टर लिखना। पर इसमें थोड़ा इनपुट को चेंज कर दिया, 5.7 दे दिया इंटीजर की जगह पर, ठीक है, और डबल पर दे दिया हमने 4 और कैरेक्टर की जगह पे भी बी। अब यहाँ पर ये तो यहाँ पर सेट बैठ रहा है, ये भी यहाँ पे सेट बैठ रहा है और यहाँ पर जो है 5.7 नहीं आना था, 5 ही आएगा। तो अब ये समझा रहा है अगर यूजर ये लिख के एंटर करेगा तो क्या होगा। व्हेन द यूजर टाइप वैल्यूज एट द कीबोर्ड, जब भी यूजर कीबोर्ड से वैल्यू टाइप करता है, जब भी यूजर कीबोर्ड से वैल्यू टाइप करता है, दोज वैल्यूज आर फर्स्ट स्टोर्ड इन एन एरिया ऑफ मेमोरी नोन एज द कीबोर्ड बफर। Now you understand what is the keyboard buffer? When जडहें user को भी value keyboard सा enter कंदो आहे, तो वो जो value है वो किथे safe थी दिया? Memory में एकड़ो area हुंदो आहे, हुन area जो नाला आहे keyboard buffer। सही है? मतलब अभी ये program हमने चलाया और ये program चला के, हाँ ये program चल गया और ये प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, मैं थोड़ा स्क्रीन साइज बड़ा कर देता हूँ। ओके, नजर आ रहा है? अब ये यूजर जो लिख रहा है, ये लिखा उसने 5.7, लेट सपोज 5.5, 500 एंड देन बी। तो जो ये यूजर ने लिखा, अभी इंटर नहीं किया है, बिफोर द इंटर ये कहाँ गया, कहाँ सेव हो रहा है? तो इसका जवाब होगा इट स्टोर्ड इन कीबोर्ड बफर। ये स्टोर हुआ कीबोर्ड बफर में, और कीबोर्ड बफर कहाँ होता है? कीबोर्ड बफर इज द नेम ऑफ मेमोरी एरिया। बात समझ में आई नहीं आई? तो कीबोर्ड बफर समझना लाजमी है कि यूजर इनपुट कर रहा है तो वो कहां जा रहा है, वो कीबोर्ड के बफर में जा रहा है और कीबोर्ड बफर मेमोरी में एक एरिया होता है, वहां पे ये स्टोर्ड है। अब जब इंटर किया तो वो जो इसका आउटपुट है वो भी हम देखते हैं, सिस्टम इसका जो है वो पास नहीं लगा हो शायद आगे। ओके, आगे क्या समझा रहा है? So when the user enter the value 5.74 and B, they are stored in the keyboard buffer as shown in the figure. अब कैसे save होगा वही? सब जगह ये memory के अंदर block बने हुए हैं। सोचें, एक imagine करें कि memory के अंदर ये खाने होते हैं। Memory खानों का नाम है। पहले उसने लिखा 5, इसमें आ गया, point खाने में आ गया, 7 इस खाने में आ गया, space इस खाने में आ गया, 4 इस खाने में आ गया, space इस खाने में आ गया, B इस खाने में आ गया, enter इस खाने में आएगा। मतलब कि हम जो भी दबाते हैं कीबोर्ड से वो मेमोरी में एक खाने में जगह लेता है। बात समझ में आ रही है? और वो जगह कीबोर्ड बफर में होती है और कीबोर्ड बफर मेमोरी के किसी पोर्शन का नाम है। अंडरस्टैंड? हमने लिखा 5.7 एक खाने में नहीं जाएगा, 5 अलग ब्लॉक में जाएगा, पॉइंट अलग ब्लॉक में जाएगा, 7 अलग ब्लॉक में जाएगा, इसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है और इंटर का एड्रेस अलग है। सी इन बिगिंस, अब सी इन शुरू करेगा यहां से, रीडिंग हियर यहां से शुरू करेगा। When the user presses the enter key, see in reads the value 5 into the variable hole. जैसे ही 5 लिख के करेगा तो वो ये रख देगा hole variable के अंदर. It does not read decimal point because holes is an integer variable. तो वही बात कह दी कि hole एक integer variable है, इसलिए वो point और 7 को read ही नहीं करेगा, वो just 5 ले लेगा. अच्छा, next it reads 0.7. अब आगे समझिएगा, ये error समझा रहा है आपको. अगला वो 0.7 को read करेगा and stores the value in double. बात समझ में आ रही है? और 0.7 को वो कहां स्टोर कर देगा? डबल के अंदर, ठीक है, क्योंकि डबल फ्रैक्शन, डबल वेरिएबल इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर, द स्पेस इज स्किप्ड, स्पेस क्या करेगा, स्किप हो जाएगा, एंड 4 इज द नेक्स्ट वैल्यू रीड, और अगली वैल्यू को 4 को रीड करेगा, इट इज स्टोर्ड एज अ कैरेक्टर इन द वेरिएबल लेटर, और 4 जाके स्टोर हो जाएगा लेटर वाले वेरिएबल के अंदर। Because this scene statement reads only 3 values, the B is left in the keyboard buffer. So in this situation, the program would have stored 5 in whole and 0.7 in fraction and the character 4 in later. It is important that the user enters values in the correct order. बात समझ में आई नहीं आई? ये आपको अपने जहन में बिठानी है बात, ये याद करने की बात है, ठीक है ना, कि जब भी अगर इस तरह का कोई मसला आता है ये प्रोग्राम के अंदर, अगर हम इस तरह का कोई भी एक स्टेटमेंट को रन करेंगे कि जिसमें हमने इस तरह से लिख दिया 5.7 फॉर बी, अब 5.7 में 5 इसमें स्टोर नहीं हो सकता, तो 5 जाएगा इसके अंदर, 0.7 जाएगा डबल के अंदर और 4 जाएगा कैरेक्टर में,
तो स्किप क्या स्पेस क्या हो जाएगा, और यहां पर भी, और ये कहां रह जाएगा, बी कहां रह जाएगा, ये बफर में ही रह जाएगा, एंटर के साथ बफर में ही रह जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये इसकी इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे हम इसको नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओके okay.